पुणे में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, क्रैश में दो पायलट और एक इंजीनियर समेत तीन लोगों की मौत। बाबधान बुद्रक के पास कोहरे की वजह से हुआ हादसा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 155वीं जयंती, राजघाट पर राष्ट्रपति पीएम मोदी और राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने स्वच्छता अभियान में भी हिस्सा लिया। बीस दिन की परोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया राम रहीम, यूपी में बागपत के बरवाना आश्रम पहुंचा। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बाद ईरान का इसराइल पर बहुत बड़ा हमला, 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से 102 इलाकों को बनाया निशाना। मोसाद हेडक्वार्टर और 20 F-35 खत्म करने का दावा। ईरान के हमले के बाद भड़के नेतन्याहू, कहा ईरान ने अपनी बर्बादी को न्योता दिया। योव गैलेंट का बयान, हमले का वक्त और जगह अब हम तय करेंगे। IDF चीफ ने कीमत चुकाने की धमकी दी।